आने के जा रहा है। तो गाइज मुझे ऐसा लगा नहीं था कि इतना जल्दी जो है इसके साथ हमारा फाइट होगा, लेकिन हमें जो है इसके साथ अभी के अभी जो है फाइट करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं आगे वीडियो में कि कैसे होता है इसके साथ हमारा फाइट। डेंजर तो यहाँ पे बहुत कुछ है, हमें पता है कि क्या होने वाला है आगे। तो यहाँ पे जैसे ही हम इस मुर्दे को छुएंगे और चेक करेंगे कि इसके पास कुछ है कि नहीं, इसको हटाने की कोशिश करेंगे या इससे कुछ लेने की कोशिश करेंगे, तभी जो है आसमान से टपकेगा वो चीज़ जिसके साथ हमें फाइट करना पड़ेगा। तो आप खुद ही देख लीजिए क्या है वो। तो यहाँ पे देख रहे हो कि चिपक के बैठा था, तो अब जो है ये नीचे की तरफ आ गया है, और नीचे की तरफ आते ही इसका जो है असली रूप बाहर आ गया। तो ये देखो कैसे जो है हम अटैक जो है हम पे कर रहा है। वाओ, क्या उंगली से क्या मारा हमको। तो उसका उंगली हमें पहले तोड़ना पड़ेगा, और साथ साथ में हवा भी देता है और उंगली से ऐसे मार रहा है, लग रहा है कि नाखून जो है हमारे पेट के अंदर से जमीन में घुसा के जो है हमें वहीं पे मार देगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ओके, इसके पिछवाड़े पे मारने पे इसको जो है गुस्सा और ज़्यादा चढ़ता है, तो हमें जो है इसके पिछवाड़े पे मारने की कोशिश करना पड़ेगा, जो थोड़ा मुश्किल है। ये देखो कैसे कर रहा है पिछवाड़े पे मारने पे, ये देखो गुस्सा चढ़ रहा है और ये पंख से जो है हमें पूरा उड़ाने की कोशिश कर रहा है। तो इसका पेट में आज करेंगे हम छेद, देख सकते हो मार रहे, और ये जो है पूरा खड़ा है, लेकिन हवा से हमें पीछे की तरफ फेंक दिया गया है। और सर से अटैक भाई, हेड टू हेड। ओहो, सर पर जो है लकीर बन गया एक, जो बहुत ही तबाही और मज़ेदार देखने को लग रहा है कि हमने उसके सर पे अटैक किया, वो भी निशान जो है हमें दिखाई दे रहा है। और पेट में मारने से मुझे लग रहा है इसके पेट के नीचे जो है कमजोरी है। ओके, उड़ के ऊपर की तरफ चला गया, मतलब इसका हीलिंग क्या ख़त्म हो गया थोड़ा सा, और ये जो है ऊपर की तरफ। ओ भाई, नीचे गिरने के बाद ये क्या था, पानी ऊपर से नीचे, मतलब मुझे ही उड़ा दिया पानी के, इतना फोर्स था। अब तो ये और भी खतरनाक हो गया, जैसे इसका हीलिंग खत्म हुआ इसका और भी खतरनाक रूप बाहर आ रहा है, मतलब उड़ते हुए आगे आ रहा है और पूरा जमीन को घिसते हुए आगे तरफ जा रहा है। तो भाई साहब तुम्हारा जो हरकत है हमें पता है, तुम हवा दोगे वो पंख से मारोगे, वापस मेरे ऊपर ही गिर गया और मेरा हीलिंग नहीं था और मैं फाइनली मर गया। तो हमें जो है रिस्पॉन जो है करना पड़ेगा वापस से, और हम वापस जो है रेडी है उसको मारने के लिए, लेकिन इस बार ये जो है ख़त्म हो जाएगा। तो चलते हैं आगे की तरफ, और यहाँ पे हम आते ही ओ हो, कैसे गिरा, क्या लैंडिंग था, जैसे सुपर हीरो मूवीज में लैंडिंग होता है ना, वैसे पूरा लैंडिंग क्या ही है। और थोड़ा सा हम मारते हैं इसका, इस बार जो है इसका हीलिंग जो है बहुत जल्दी जा रहा है, और ये हवा वबा पहले जैसे देने लगा है, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। हमें तो इसका करतूत पता ही है कि कैसे कैसे ये नाखून से नीचे की तरफ ज़मीन में घुसा देता है। तो हम जो है इस बार तैयार हैं और हम इसको अब मार के छोड़ेंगे। देखो उंगली कैसे करके रखा, जैसे कि ज़मीन में घुसाएगा, लेकिन हमें पता चल गया कि पेट के नीचे और पैर के यहाँ पे मारने से इसको जो है कुछ होता है, क्योंकि वहाँ पे पता ही है आपको क्या होता है। तो उस पर लग रहा है और ये जो कमज़ोर पड़ रहा है, तो हमें यहीं पर मारना है, और जो है ये थोड़ा हीलिंग जो है ज़्यादा जा रहा है और वापस उड़ गया ये ऊपर। तो उड़ने के बाद और भी खतरनाक होता है, ये हवा वबा भी देता है, और जब नीचे गिरता है भाई साहब जो है ये देखो हवा दिया कैसे, और जब से नीचे गिरता है ना तो ये देखो ये पानी जैसा हवा जैसा कुछ फोर्स जैसा आता है और हमें उड़ा के नीचे गिरा देता है। तो ये मारने के बाद ऐसे खड़ा क्यों होता है पीछे जाके, ये मारने में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन इसको मारने के टाइम पर ना बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये जो है एकदम बच्चों जैसे हरकत कर रहा है। देखो जैसे मतलब पीछे मारो तो इसको गुस्सा जो है सर पे चढ़ रहा है, और ये इधर से उधर उधर से इधर भागे जा रहा है, लेकिन हम मारेंगे तो मारेंगे पैर के और पेट के बीच में जहाँ पे उसका कमजोरी है। लेकिन वापस हमें हेड टू हेड देखने को मिला, लेकिन इस बार जो है हम लकीर नहीं बना पाए इसके सर पे, लेकिन हम उसी जगह पे मारेंगे जहाँ पे इसका कमजोरी है। वापस ये जो है उड़ गया और आ रहा है, ओहो लगा नहीं, मैं बच गया, लेकिन मेरा हीलिंग हल्का फुल्का ख़त्म हो रहा है।
तो इसका आधे से ज्यादा हीलिंग खत्म हो चुका है, तो थोड़ा सा मारने पे ये जो है और भी खतरनाक हो सकता है। तो इसकी हीलिंग जो है ऊपर वापस उड़ गया, तो ये वापस नीचे गिरेगा, तो मेरा हीलिंग जो है ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि गिरने पे जो फोर्स आता है इससे बहुत ज़्यादा हीलिंग खत्म होता है। तो गिरा वापस और मैंने इसको जो है नहीं कर पाया वापस। ओ दो दो बार कैसे भाई, एक बार हो रहा था पहले, तो हमारे पास एक हीलिंग एक्स्ट्रा था उसको हमने मार लिया। तो इसके पिछवाड़े पर मारो और आगे जाके उड़ के जो है पीछे जाके वापस मारना पड़ेगा। ये और भी पागल हो चुका है पहले से ज़्यादा, क्योंकि इधर उधर कर रहा है, और ये इधर उधर करने के मुंह पे अगर तुम आ जाओ ना। अच्छा ये अब ऐसा कर रहा है कि उड़ के नीचे गिरने से जो फोर्स आता था वो अब ऐसे ही करके दे रहा है भाई साहब, मतलब इसका पावर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है और असलियत दिखा रहा है हमें। ओके कोई बात नहीं, हेड टू हेड मारेगा तू, मैं तेरे पंखों को तोड़ के रख दूंगा। और जो कमजोर होते हुए हमें नजर आ रहा है, और इसका हाथ और पंख जो है एकदम मतलब टूट जाने वाला था, लेकिन लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये भाग रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन हमें इसको पकड़ना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें जो है ये जो नीचे पड़ा था डेड बॉडी, इससे हमें पावर मिला जो दीवार पे चढ़ सकता है, तो इसको लेते हुए हम आगे आ चुके हैं और यहाँ पे हम ऊपर की तरफ इजीली चढ़ पाएंगे। तो देखते हैं कहाँ गया है, ऊंचाई पे चलेंगे और देखेंगे। पीछे से दोस्तों आ गया ये वापस हमें अटैक करने, ऊपर से सब कुछ टूट के गिर रहा है नीचे की तरफ, जो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। हम नीचे गिर सकते हैं और ये पूरा नीचे ही है, ये हमें खा लेगा, लेकिन हमारे ऊपर कोई भी पत्थर गिरा नहीं, इसके सर पे गिरा है, तो ये काफी अच्छा है। तो हम फटाफट ऊपर चढ़ेंगे। ओहो ऊपर आते ही है हमें कुचल दिया, कहा है ओहो इसने पकड़ लिया। ओ नो खाने की कोशिश नाकाम रहा, क्योंकि ये खा नहीं पाया। कंटिन्यूसली इसको मार रहे हैं और ये जो है बहुत ही खतरनाक जो है इसको लग रहा है। और इसको कैसे पकड़ लिया से, ओहो हवा में उड़ा दिया। अब तो नीचे गिरेगा भाई साहब, तो ये मरेगा, पक्का मरेगा। तो हमें जो है कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। ओहो मिस हो, ओहो मरेंगे नहीं, अच्छा इसके ऊपर ही चढ़ना होगा, इसके ऊपर चढ़ने से ही जो है काम बनेगा। तो इसके ऊपर चढ़ने के लिए हमें पूरा इसके पीठ के साइड में जाना पड़ेगा। ओहो ओ नहीं हो पाया इस बार भी, कोई बात नहीं इस बार जरूर करेंगे हम, लेकिन इस बार भी छूट गया यार, क्या कर रहे हैं हम, पकड़ क्यों नहीं पा रहे इसको। पकड़ लिया फाइनली, और जैसे कि पकड़ लिया इसका जो है गुस्सा और भी बढ़ गया। देखो कैसे कर रहा है, इसका मुंह जो है एकदम गुस्से से लाल हो चुका है और लेके हमें कहाँ जा रहा है उड़ाते हुए। ओबे धक्का देने वाला ये, फाइनली वापस उड़ गए हम आसमान में, और वापस लग रहा है हमें इसको जो है पकड़ना है। हाँ वापस इसको हमें पकड़ना है, लेकिन ये तो अब उल्टी दिशाओं में जा रहा है और हम पकड़ नहीं पाए, क्योंकि ये मुश्किल है थोड़ा पकड़ना एकदम हवा में, और ये भी स्पीड में आ रहा है। तो इसको वापस हमने पकड़ लिया, लेकिन ये वापस पगला गया, मतलब इसके बाल खींचो तो ये पगला जाता है। तो हमें जो है ऐसे ही कुछ हवा में फाइट होने वाला है मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जमीन से ये ऊपर आ गया और ये वापस पागल होते हुए पत्थर पर टकराने वाला है। ओ हो हो हो, लेकिन अपना बंदा भी शाना है, एकदम सही वाला जगह पे इसने जो है पैर रखा और ये बच गया। फाइनली वापस हमें पकड़ने को नहीं पड़ा और ये टूट के गिर रहा है पूरा पत्थर, और हमें जो है जंप लगाना है, हमें जो है फाइनली नीचे जंप लगाना है और पंछी को वापस पकड़ना है। तो पंछी आगे की तरफ आ रहा है और इसको जो है पकड़ो, इसके लिए जंप लगाना पड़ेगा। आप सही से हो जाना प्लीज प्लीज, हम दोबारा नहीं करना चाहते, इस बार सही से पकड़ लेना। तो हम नीचे जा रहे हैं और पंछी को पकड़ लिया, फाइनली फर्स्ट टाइम हो गया। तो ये पंछी जो है नीचे की तरफ कहाँ लेके जा रहा है, कहाँ वो भाई, सब कुछ तोड़ फोड़ करते हुए पगलाते हुए पंछी जो है ऊपर जो है वापस आया, लेकिन ये जो है गोल गोल घूमते हुए नीचे कहीं पे जा रहा है। और यहाँ पे धक्का, ओ बंदा भाई साहब उड़ के नीचे गिरा और इसका हीलिंग खत्म नहीं हुआ, वो हो बहुत बढ़िया भाई साहब।
मतलब ये पंछी जो है मर गया फाइनली, और मेरा जो है हीलिंग खत्म नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बहुत ऊंचाई से मैं गिरा था। लेकिन इसके मन में था कि धक्का देते हुए हम इसको मार देंगे, लेकिन ये हमें मार नहीं पाया और इसको हमने फाइनली मार दिया। तो यहीं पर खत्म होता है ये वीडियो।